गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज क्लास 6. टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 5 ऑफ एक्सरसाइज 5.3 पेज नंबर 95. प्लीज सी द पेज नंबर 95. दिस एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल. देयर आर ओनली टू क्वेश्चंस. वन इज मेज द कॉलम एंड सेकंड वी हैव गिवन द डायग्राम एंड we decided which angle is acute, obtuse. That means in this exercise we will know about the angles. You know everyone, there are so many types of angles, like that 0 degree angle means an angle whose measure is 0 degree is called 0 degree angle. Acute angle, acute angle between 0 to 90 degree means an angle whose measure is more than 0 degree but less than 90 degree is called acute angle. Then right angle, an angle whose measure is 90 degree is called right angle. Obtuse angle, an angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Straight angle, an angle whose measure is exactly 180 degree is called straight angle. Reflex angle, an angle whose measure is more than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. And complete angle, an angle whose measure is 360 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल. तो जो दोनों क्वेश्चन है वो इन डेफिनेशन पर ही डिपेंड है. इस चैप्टर की ये डेफिनेशन आप अपनी फेयर कॉपी में बुक में से लिख लें बेटा और लर्न कर लें और उन डेफिनेशन से ही हम उनके आंसर देंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 95. मेज द फॉलोइंग. फर्स्ट दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल. अब इधर आपके दूसरे कॉलम में दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ. इसमें हमारा फर्स्ट का आंसर है स्ट्रेट एंगल हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन. नंबर वन, the answer will be half of a revolution. A revolution कितने डिग्री का होता है जानते हैं आप? 360 डिग्री का. और half मतलब आधा. जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 into 2, 2 8 16 और 2 0 0 is equal to 180 degree. The measure of straight angle. That is how revolution, you understand. Now, second, I will write here. और यहां पर रिवॉल्यूशन था सी पर. कहां पर था? सेकेंड पॉइंट है राइट एंगल. राइट एंगल आपका बनेगा 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन. जो लिखा है 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन आपका लिखा है डी पर. ओके बेटा, अब 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई का रिवॉल्यूशन 360 डिग्री. 4 × 4, 4 × 9 = 36, 4 × 0 = 0, दैट इज 90 डिग्री.
ये मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, ये आपको मैं समझा रहा हूँ मैथमेटिकल, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए राइट एंगल आपको मालूम है 90 डिग्री होता है, बट वहां पर ऑब्जेक्ट में 90 डिग्री नहीं दिया हुआ है, वहां दिया 1/4 ऑफ इक्वेशन, 1/4 या 1/4 ऑफ इक्वेशन या 90 डिग्री 360 डिग्री, तो उसका 1/4 करेंगे तो 90 है। अब मैंने दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताया और इवोल्यूशन मतलब 360 डिग्री का है, इसलिए जितना भी पार्ट बोले वो आप समझ लेना बात। अगला थर्ड में दिया है एक्यूट एंगल, थर्ड का एक्यूट एंगल है आपका लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, थर्ड आपका है एक्यूट एंगल जो कि आपका बनेगा, ये आपको दिया है ए में लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 1/4 का मतलब हो गया 90 डिग्री और 90 डिग्री से कम, तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है बिटवीन 0 टू 90 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। डेफिनेशन याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल जो कि ई वाला है आपका, फोर्थ है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बेटा वो मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, मींस बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, तो उसने बोला है बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवॉल्यूशन, ये जो है आपको कहां पर दिया गया है ई में, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 1/4 का मतलब 90 और हाफ का मतलब होता है 180, 90 और 180 के बीच का एंगल होता है, करेक्ट ओके। एंड लास्ट फिफ्थ है रिफ्लेक्स एंगल, इट इज मोर देन 180 मींस मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन, जो कि आपको दिया गया है ये बी में, मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन बी वाला। फिर तो है आपका रिफ्लेक्स एंगल एंड द आंसर इज बी मोर देन हाफ अ रिवॉल्यूशन। तो आपको फेयर कॉपी में कैसे लिखना है बेटा, इधर से पूरा काम लिखना है और सही के सामने सही आंसर लिखना है, ये मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखना है, ये मैंने आपको समझाया था। इस तरह क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.3 का ये केवल फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको फेयर कॉपी में लिखना है और सेकंड बुक में ही रहने कीजिए, आप बुक में ही लिख लेंगे मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ता हूं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये डायग्राम दिया हुआ है आपको बुक में, हम यहीं पर एंगल के नाम लिखेंगे, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट स्ट्रेट एक्यूट ऑप्टिक्स और रिफ्लेक्स, तो जब हमको एक्यूरेट दिख जाता है जजमेंट भी हो जाता है मेजर करे बगैर कि कौन सा एंगल किस, दिस टू रे इज एक्यूट एंगल, तो ए वाला बनेगा एक्यूट एंगल, ए बी सी डी ई एफ, तो ए जो डायग्राम है वो एक्यूट एंगल है, एक डायग्राम मतलब क्या है एक्यूट एंगल, आप बुक में चाहे तो लिख सकते हैं बेटा, हो ये मैं रफ करता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपका बुक में रहेगा बेटे और मैं डायग्राम के साथ आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर टू, दी स्टूडेंट ये बगैर मेजर के हम कह सकते हैं ए में दिस इज एक्यूट एंगल, एंगल भी लिखना है। सेकंड बी ऑब्ट्यूज एंगल मोर देन 90 डिग्री एंगल ऐसा ही बनेगा, ये बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल, दिस इज बी ओके बेटा, दिस वाज ए दिस वाज बी ऑब्ट्यूज एंगल। अब ये टी शेप में है ये बताया, दिस इज राइट एंगल सी, ये बनेगा आपका राइट एंगल 90 डिग्री का, इधर भी 90 डिग्री रहेगा इधर भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये दोनों मिलके 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल बन जाता है लीनियर पे।
डी ये बना गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। देखिए ये डी इस तरह का बाहर का एंगल बता रहा है बेटा, अगर अंदर बताता तो एक्यूट होता, और ये रिफ्लेक्स एंगल है मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल ई, दिस इज स्ट्रेट एंगल। ये केवल एक लाइन पे बताया गया है आपको, जब स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेट एंगल। आया समझ में? तो बुक में आप नाम लिख लेंगे डायग्राम के नीचे, और एम शेप में दिया हूं, दोनों एंगल पूछे हैं उसने, तो ये दोनों एक्यूट एंगल है बेटे। कौन से एंगल है? एक्यूट। इस तरह आपकी एक्सरसाइज पूरी होती है, और आपको फेयर कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 ही लिखना है, सभी डेफिनेशन लर्न करना। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच। कॉम्प्लीमेंट में जरूर लिखें यस सर आई अंडरस्टूड।